नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे। भारतात निरनिराळे सण समारंभ उत्सव साजरे केले जातात आणि यामधलाच एक उत्सव आहे कोजागिरी पौर्णिमा। तर कोजागिरी पौर्णिमा आणि कोजागिरी पौर्णिमा जी मित्रांसोबत कुटुंबियांसोबत समाज बांधवांसोबत साजरी केली जात आहे त्याच्या आठवणी माझे मित्र तुम्हाला आता सांगणार आहेत। आणि त्या कोजागिरीमध्ये जे यांचे मित्र तत्कालीन मित्र होते किंवा अजून जे आहेत त्यांचं स्मरण यांना झालं आणि ती माहिती ते आपल्याला आता सांगतील थोड्या वेळात। तर तुम्ही जरूर हा व्हिडिओ पहा आणि आपल्याला जीवनामध्ये कुछ लोग एक बार जो बिछड़ जाते है वो हजारों के आने से मिलते नहीं आणि मग त्यांच्या आठवणी आपल्याला कायम राहतात। तर त्याच आठवणी आपल्याला ते सांगतील आता, तर आपण जरूर हा व्हिडिओ पहा, खूप चांगला व्हिडिओ आहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में बहुत कुछ कुछ याद आता है, लेकिन मुझे वो ज़माना याद आ रहा है जिस ज़माने में ये ठंडी में ही कोजागिरी होती है। उस ज़माने में मेरी बहुत स्वीट मेमोरीज हैं और ऑफ कोर्स सभी खामगांव की है, दोस्त यार लोगों के साथ में की है। खामगांव में कोजागिरी का बहुत अलग माहौल रहता है, बहुत बोले तो एक महीना चलता है। आज तो किसकी कोजागिरी, तो हमारे गली वालों की कोजागिरी है, दूसरी हमारे दोस्त लोगों की है, तीसरी वो हमारे क्लासमेट का ग्रुप है उनकी है, चौथी हमारा जो समाज है वो समाज बांधव की है। तो ऐसी वो कोजागिरी का माहौल चलता रहता है। और कोजागिरी का एक्चुअली अपने हिंदू संस्कृति में ऐसा एक महत्व है कि जैसे उस दिन चंद्रमा की जो किरणें हैं वो दूध में गिरने के बाद वो दूध इतना पौष्टिक बन जाता है कि वो हमारे लिए अमृत बन जाता है, अमृत बन जाता है। और उसी दिन लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी हर घर में आती है और पूछती है कौन जागृत है, कौन जगा हुआ है, और जो जगा हुआ है उसी को वो प्रसाद के रूप में अपनी संपत्ति, धन दौलत, सौख्य वो सब देती है। और कोजागिरी के दिन जो हमारे पिताजी, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वो भगवान का नामस्मरण भी करते थे, भजन रखते थे, भजन गाते थे। लेकिन हम दोस्त लोग भजन भी जन कुछ नहीं, भजन उस ज़माने में उस उम्र में भजन इट्स लाइक अ जोक। तो बात उन दिनों की है कि उस ज़माने में हम लोग कोजागिरी मनाते थे और हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था और बहुत बेहतरीन दिन थे। उस ज़माने में एक हमारी एक बात करने की चलन भी ऐसा था कि हम लोग कभी किसी को उसके नाम से नहीं बुलाते थे। तो जैसे हमारे एक दोस्त थे, उनका नाम था सुगनचंद और उनके पिताजी का नाम था मानकचंद झाबरमल सोनी। तो हम पूछते थे, ओ MZS का छोरा कटने गए हो? बोले तो MZS, बोले तो मानकचंद झाबरमल सोनी। एक हमारे दोस्त थे जिनका नाम था श्रीकांत प्रकाश भूसारी, उनके पिताजी टेलर थे। तो बोलते थे, ए वो टेलर का बच्चा कहाँ गया, कपड़े फाड़ने कहाँ गया, किसके कपड़े फाड़ने गया? और एक हमारे दोस्त थे श्याम धोंडूजी जामोदे, तो बोलते थे, ए ते धोंडूजी से पोरग कुठे गेलं? आणि मेरे पिताजी पोस्ट में थे, तो बोलते थे, धन्या कहाँ गया, अरे किसको टपाल देने गया? तो ये एक बोलने की उस ज़माने की स्टाइल थी, लेकिन उस पर बहुत मज़ा था। लेकिन ऐसे ही हम लोग जिस दिन कोजागिरी रहती थी बोलते थे, चलो आज कोजागिरी बनाना है, कोजागिरी बनाना है। तो उस ज़माने में पैसे वाले तो कोई थे नहीं, तो हम लोग बस ऐसे ही मात्र 10-12-15 रुपए ऐसे सब पैसों में हमारी कोजागिरी हो जाती थी। और उतना कंट्रीब्यूशन होने के बाद हम उस ज़माने में एक बड़ा थैला लेते थे जिसमें एक भगुना, दूध और तरुण भारत लोकमत रहता था, पढ़ने के लिए नहीं, वो भट्टी में जलाने के लिए। और हर किसी ने अपने घर से एक ग्लास लाना है और वो लेके हम लोग साइकिल से बहुत गांव के बाहर दूर निकल जाते थे। और किधर भी हम वो 3 इटकरे जमा करो, उस पर वो सब रखो और जलाओ, चालू कर दो, तरुण भारत को जलाओ, लोकमत को जलाओ, लोकमत को हम लोकमत फोकमत कहते थे, और दूध घोटना चालू हो जाता था। तो दूध घोटते घोटते उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं थे, टेप रिकॉर्डर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग खुद ही गाना गाते थे। और गाने भी ऐसे रोमांटिक होते थे, लग जा गले
के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ये गाना नहीं ख़त्म होता था तो एक गाता था, ये जवानी है दीवानी, मान जाओ रानी, रुक जाओ जानी। तो इसके बाद में वो हमारे सुगनचंद थे, वो जरा मुकेश दा के बहुत आशिक थे, लेकिन वो मुकेश दा का जैसे सैड सॉन्ग उसकी कैसी वाट लगाते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो गाना गाते, सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। बोले तो पूरा उनका जो सैड सॉन्ग रहता था वो पूरा कॉमेडी सॉन्ग हो जाता था, लेकिन ऐसा दौर बहुत चलता था। और उन हसीनाओं का भी जिक्र होता था जिनको हम दिल से चाहते थे, भले वो हमको कुछ कोई रिस्पांस नहीं देती थी, लेकिन वो हमारे ख्वाब थे। और महफिल इसी का नाम है, जहाँ गाना हो, जहाँ बातें हो, जहाँ जिसको हम चाहते उनका जिक्र हो, तो वो भी दौर चलता था। और ऐसा करके 12 बज जाते थे, 12 बजने के बाद दूध घोटने के बाद फिर वो अपना अपना ग्लास निकालो, दूध पियो, मस्त बातें करो, और हो गया। हो जाने के बाद हो गई चले गए, लेकिन दो दिन बाद और, अरे यार और एक बनानी पड़ेगी। क्यों भाई? अरे वो आबा का दूध था, पतला था, वो जमी नहीं। अरे यार फिर दूसरी बनाओ। तो दूसरी भी कोजागिरी चालू हो जाती थी, तो दूसरी में थोड़ा माहौल अलग हो जाता था, एक में की खिंचाई ज़्यादा हो जाती थी, फिर एक में की खिंचाई ज़्यादा हो गई तो झगड़े की नौबत आ जाती थी। तो फिर थोड़ा सेटल करके कैसा भी करके हो गए, फिर झगड़े होने के बाद 3-4 दिन साइलेंस, नहीं कोई किससे बात नहीं करेगा। फिर 3-4 दिन बाद फिर एक जन खड़ा हो जाता था, अरे क्या यार पूरी रात वो अपन झगड़े में चले गए, देखो अभी और एक करना है, फाइनल करना है, ओके, जिसमें नो झगड़ा, कोई किस्सों बोलेगा नहीं, जिसको मजाक पसंद है वो मजाक करेगा, जिसके नहीं है वो नहीं करेगा, धन्या तू इनको संभालना। अरे मतलब धन्या को क्या बोल रहा, धन्या की तो पहले से रखती है, तो नहीं धन्या तू संभालना। मैं ठीक है भाई, बोले तो तू ही पहले अपने आप को संभाल। तो चलो फिर तीसरी हो जाती थी, तीसरी में फिर हमारा अच्छे से हो जाता था, कुछ बातें हो जाती थी, कुछ ये हो जाता था, लेकिन खिंचाई तो होती थी, वो खिंचाई के बगैर कोई कोजागिरी हुई नहीं। वो दूध से ज़्यादा तो एक में की खींचने में बहुत मधुरता आती थी, तो वो हो जाती थी। फिर चौथी एक, अरे यार वो रामे नहीं आया, उसको 2 बार बोला था, अरे यार वो अब कब आएगा यार उसके लिए भी बनाने पड़ेंगे, आला चलो ठीक है उसके लिए चौथी बनाते हैं। फिर अरे यार अभी पैसे नहीं है, और बाप इतने पैसे देंगे नहीं, मात्र 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन था लेकिन वो भी देंगे नहीं। तो हमारा सुगनचंद बोला, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बनाता लूँगा, मैं तेरे 50 रुपये डाल दूँगा, ओके। उनको बहुत शौक था ये पार्टियाँ बनाने का, तो चौथी भी हो जाती थी। फिर हम राम धुंडू जी को बुलाते थे, फिर वो होने के बाद, अरे यार श्यामा है, वो भी तो अपना दोस्त है यार, अरे लेकिन रामया श्यामा जुड़वा भाई है, वो रामया धुंडू जी, श्यामा धुंडू जी दोनों आए तो दोनों वो धुंडू जी के बच्चे झगड़े करेंगे, फिर क्या करेंगे तू। हाँ यार ये भी बात सही है। फिर ऐसा करते, इस बार रामया को ड्रॉप करते, श्यामा को बुलाते हैं। तो पाँचवीं सिर्फ श्यामा के लिए होती थी, लेकिन वो सिर्फ कोजागिरी एक शायद मेरे ख्याल से एक निमित्त था, हम लोगों को एक साथ मिलने के लिए, हम लोगों को एक मेक की खिंचाई करने के लिए, हम लोगों को एक मेक के गाने सुनने के लिए, हम लोगों को एक मेक के जोक सुनने के लिए। कुछ लोगों के पेटेंट जोक थे जो शायद मैं अभी बोल नहीं सकता, तो हम लोग बोलते थे यार तूने वो ये आज तूने वो जोक नहीं बोला, तो वो जोक बोलता था। तो वो दिन बहुत अलग थे, और दिन बहुत अलग थे, लेकिन आज ये नौबत है कि वो मेरे दोस्त सुगनचंद मानकचंद सोनी तो नहीं है, वो दुनिया से चले गए, वो चले गए, पता नहीं, मुझे तो लगता ऊपर जाके भी शायद वो दूध घोटते होंगे, दूध, क्योंकि वही भगोने के पास बैठे रहते थे। बहुत ऐसा इंसानी मैंने नहीं देखा जिसको खाने में, खिलाने में, पार्टियाँ बनाने में बहुत, और वही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वही लेता था। पार्टी का खर्चा अगर 200 है तो 100 वो लेता था, बाकी हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये दोस्त यार, इसके सिवाय दुनिया है ही नहीं।
और ये त्यौहार उसी के लिए बना है कि सब दोस्त लोग आ जाए। और आज के ज़माने की सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है कि आज सर किसी के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन और देखने के लिए मोबाइल है और टीवी है, लेकिन वो जज्बात नहीं है, वो एटमॉस्फेयर नहीं, वो महफिलें नहीं, और वो चाहत से भरी हुई तड़प भी नहीं है। तो इसीलिए शायद ये आज हम लोग हर कोई सुख की तलाश में है, हर कोई खुशी की तलाश में है, लेकिन एवरीबडी इज़ फेल। तो यही मुझे लगता है, यही मुझे महसूस हुआ, लेकिन अंत में यही कहूँगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। नमस्ते, सलाम। तुम्हाला जर असे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनल लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।